अब की बार चीन को बाहर किया, एक साल के लिए चीन पर बैन। रूस, अमेरिका, साउथ कोरिया उतरे भारत के साथ, 3 दिन में सच आएगा सामने। दोस्तों, जहां एक तरफ अब इजराइल हमास जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि हमास हार मान रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन को इतनी बड़ी चोट मिली है जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। क्योंकि अब जहां एक तरफ रूस, अमेरिका, साउथ कोरिया और भारत खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन अकेला खड़ा है। और भारत ने चीन को गजब चोट दी है और चीन पर एक साल के लिए बैन भी लग गया है। क्या है पूरी खबर, अब इन दोनों खबरों के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इजराइल हमास युद्ध के बारे में आपको बता दें कि यह युद्ध अब अलग ही मोड़ पर जा रहा है, क्योंकि अब इजराइल ने हमास के टॉप के लीडरों को उड़ाना शुरू कर दिया है। और अब कहा जा रहा है कि हमास के जो प्रमुख है इस्माइल हानिया, उसने गाजा और वेस्ट बैंक के लिए एक ऑफर दिया है। दरअसल अभी भी हमास के पास लगभग 100 बंधक है और इजराइल सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है कि हमास से बंधकों को छुड़ाया जाए। ऐसे में अब हमास के प्रमुख ने कहा कि गाजा में संघर्ष विराम कर लेते हैं, बंधकों को भी छोड़ देते हैं, लेकिन यहां पर एक फिलिस्तीनी सरकार बननी चाहिए। इसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं कि गाजा में इस वक्त हमास का प्रभाव बहुत ज्यादा है, फिलिस्तीनी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रभाव बहुत कम है। ऐसे में ये चाह रहे हैं कि गाजा में फिलिस्तीन सरकार बने और सरकार का पूरा कंट्रोल फिलिस्तीन के पास रहे। इसका मतलब यह है कि आज हमास कहीं ना कहीं घुटने टेकते हुआ नजर आ रहा है। इसलिए उन्होंने इस बात को कहा कि वेस्ट बैंक और गाजा दोनों जगह अगर फिलिस्तीनी सरकार बनती है तो हम विचार करने के लिए तैयार है। ऐसे में अब देखना होगा कि इजराइल इस पर क्या फैसला लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ 1 जनवरी से चीन के ऊपर इतना बड़ा गाज गिरा है जो चीन ने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे तो चीन हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार मनमानी करता रहता है और वो ऐसा मन्नार की खाड़ी की वजह से करता है, क्योंकि चीन की नजर हमेशा से यहाँ रही है। इसी वजह से चीन कई बार अपने जासूसी जहाजों को लाकर यहाँ खड़ा कर देता है और श्रीलंका भी उसे रोक नहीं पाता। और देखा जाए तो चीन भारत को गिराने के लिए भारत के चारों तरफ अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ाता जा रहा है, भारत के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। इसी बीच हाल ही में एक और खबर आई कि चीन का एक और जहाज आकर श्रीलंका में खड़ा होने वाला है। इससे पहले पिछले साल भी चीन के कई जासूसी जहाज हिंद महासागर में आए थे और उन्होंने श्रीलंका के बंदरगाहों में शरण ली थी। अब ऐसे में श्रीलंका ने एक निर्णय लिया है और एक साल के लिए बैन लगा दिया है। श्रीलंका ने चीन के ऊपर बैन लगाते हुए कहा कि चीन ना तो किसी स्पाई शिप को ला सकता है और ना ही किसी ऐसे युद्धपोत को ला सकता है जो जासूसी जहाज हो। ऐसे में अब चीन क्या करता है यह तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन यह बैन आधिकारिक तौर पर लगाया गया है। इसमें श्रीलंका के पीछे कई देश खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से रूस है जो श्रीलंका के पास थर्मल पावर प्लांट बनाने जा रहा है। इससे पहले भी रूस और भारत ने श्रीलंका के एक पोर्ट और एक एयरपोर्ट को खरीदने की बात कही थी और यह डील भी अब होने वाली है। इसके अलावा साउथ कोरिया भारत के साथ मिलकर कई ज्वाइंट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है श्रीलंका और बांग्लादेश में। इसके अलावा चीन पर जो श्रीलंका ने यह बैन लगाया है, इसमें श्रीलंका को अमेरिका की तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है और अमेरिका ने भी श्रीलंका को इस बात के लिए हिदायत दी थी कि आप अपने जल क्षेत्र में चीन के जासूसी जहाजों को ना घुसने दें। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका, रूस, साउथ कोरिया, भारत, जापान जैसे देश अब श्रीलंका के साथ खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन अब अकेला रह गया है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पाकिस्तानी सेना का बड़ा कांड, पीओके ने मोदी को लगाई गुहार, सुकोई 30 को लेकर भारत ने किया बड़ा खेल। दोस्तों, पाकिस्तान ने पीओके में बड़ा खेल कर दिया है, जिसके बाद पीओके ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है। तो वहीं दूसरी तरफ अब सुकोई 30 को लेकर भी भारत ने बड़ा खेल कर दिया है। क्या है पूरी खबर, अब इन दोनों खबरों के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान में ऊंची हरकत करते हुए पीओके के शारदा मंदिर पर कब्जा करके उसे कॉफी होम में तब्दील कर दिया, जिसके बाद पीओके लोगों ने सीधा मोदी सरकार से गुहार लगाई है। उन्होंने पीएम मोदी से मदद मांगते हुए कहा कि भारत सरकार मदद करे। इस दौरान रविंद्र पंडित ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना ने
जीर्ण शीर्ण प्राचीन शारदा मंदिर परिसर पर अतिक्रमण कर लिया है और समिति के पक्ष में अदालत के आदेश के बावजूद वहां एक कॉफी होम खोल दिया है। शैव शारदा समिति अनुरोध करती है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तानी सेना द्वारा हाल ही में शारदा पीठ परिसर में कॉफी होम बनाकर किए गए अतिक्रमण को हटाने का मुद्दा उठाए। पीओके के नागरिक समाज ने भी सुरक्षा दीवार को हुए नुकसान और अतिक्रमण के बारे में एसएससी के साथ मिलकर आवाज उठाई है और कहा है कि श्रद्धालुओं के तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए शारदा पीठ को फिर से खोला जाए। अगर पाकिस्तानी सरकार और उसकी सेना ने कॉफी होम को नहीं हटाया तो हम नियंत्रण रेखा तक मार्च करने और इसे पार करने का आह्वान करेंगे। सभी शारदा समर्थकों को निकट भविष्य में इस मार्च के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने शारदा पीठ को यूनेस्को धरोहर स्थल घोषित किए जाने का भी आह्वान किया। तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को टीटवाल में नव निर्मित शारदा मंदिर और एक सिख गुरुद्वारे के बारे में पूरी जानकारी एवं यात्रा मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से एक वेबसाइट शुरू की गई है। 1947 में जिस स्थान पर शारदा मंदिर और गुरुद्वारा था उसी स्थान पर दोबारा से दोनों धार्मिक ढांचे बनाए गए हैं। मंदिर और गुरुद्वारे को कबाइलियों ने हमले के दौरान आपके हवाले कर दिया था। अब पाकिस्तान की पोल ऐसे समय पर खुली है जब पीओके के उच्चतम न्यायालय ने अतिक्रमण रोकने के सेव शारदा समिति के प्रतिनिधि के अनुरोध पर पिछले साल इसके पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। वैसे पाकिस्तानी सेना ने जो यह ओछी हरकत की है उसके बाद अब देखना होगा कि क्या पीएम मोदी पीओके के लोगों की बात सुनेंगे और क्या पाकिस्तान अपना कॉफी हाउस बंद कर देगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ रूस के सुखोई 30 एमकेआई विमान को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है और वह यह है कि सुखोई 30 एमकेआई को लेकर भारत ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। बीते 2 दशक से पहले सुखोई 30 एमकेआई को भारत की वायुसेना ने अपने बेड़े में शामिल करना शुरू किया और धीरे धीरे करके इसकी संख्या 272 हो गई और अब खबर यह है कि डबल इंजन वाले इस विमान को भारत अब आगे कम से कम 15 से 20 वर्षों के लिए तैयार कर रहा है और यह हमला बल के लिए मुख्य आधार बने रहेंगे क्योंकि भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमान के सेना जीवन को 20 साल या उससे भी ज्यादा बढ़ाने के लिए विचार कर रही है। भारतीय वायुसेना इसे अब और मजबूत बनाने के लिए एयर फ्रेम और विमान के दूसरे अहम हिस्सों का परीक्षण कर रही है और ऐसा करने का अनुभव उसे पहले से ही है। ऐसे में विमान के सिवा जीवन के विस्तार से भारतीय सेना को काफी मदद मिलने वाली है क्योंकि भारतीय सेना अब विमान की क्षमताओं को बढ़ाने पर काम कर रही है। सुखोई 30 एमकेआई एक बहुदेशीय लड़ाकू विमान है जो लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल ब्रह्मोस की श्रृंखला समेत कई तरह के हथियारों को अपने साथ कैरी कर सकता है।